देश भर में कोरोना वायरस के चलते सभी धार्मिक स्थलों को जिला प्रशासन ने बंद करने के आदेश दे दिए थे, मगर 6 महीने के बाद अब कानपुर जिला प्रशासन ने भक्तों को बड़ी सौगात देते हुए सभी धार्मिक स्थलों को कोविड-19 के नियमों के मुताबिक खोले जाने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद से ही सभी धार्मिक स्थलों की साफ सफाई का कार्य तेजी से शुरू हो चुका है। आपको बताते चलें, कानपुर के जुहू इलाके में स्थित पौराणिक माँ बारा देवी के मंदिर के आज 6 महीने बाद खोल दिए गए, जहां सुबह से ही भक्तों का माता के दर्शन प्राप्त करने के लिए तांता लगा रहा। वहीं एक तरफ जहां भक्त माता के दर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंच रहे थे, वहीं मंदिर प्रशासन के द्वारा मंदिर की साफ सफाई का कार्य भी जोरों शोरों से चल रहा था। वहीं मंदिर प्रशासन लोगों से बात करने पर उन्होंने साफ तौर पर कहना है, जिला प्रशासन के नियमों के मुताबिक मंदिर आने वाले भक्तों को दर्शन कराए जाएंगे, नियमों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया जाएगा। भारत सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जो कि कोरोना इस महामारी में जो कि 6 महीने से बराबर धार्मिक स्थल बंद थे, वहीं पर कुछ आज धार्मिक स्थल खुले गए हैं। जो कि आपको बता दें कि ये बहुत ही प्रमुख मंदिर है, जो कि बारा देवी नाम से जाना जाता है। यहाँ पर नवरात्र में कम से कम हज़ारों की संख्या में भीड़ लगती है। आपको बता दें, आज कल वही निर्णय भारत सरकार ने एक अहम फैसला लिया, जो कि गाइडलाइनों का पालन होगा, बराबर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए नियमों का पालन किया जाएगा। वहीं यहाँ पर भारी एक प्रमुख द्वार है मंदिर का, जहाँ पर भी भक्त यहाँ से एंट्री करते हैं, जो कि आज मंदिर की इतनी आस्था है। जो कि यहाँ पर आज ये थोड़ा सा दोपहर का समय है, जो कि आपको बता दें राम मंदिर, दुर्गा मंदिर और मस्जिद सब खोल दिए गए, जो कि धार्मिक स्थल जो कि पूरी प्रमुख तरह से बंद थे। आज माया भी जो कुछ पुजारी यहाँ पर मौजूद है, कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, मंदिर के जो सफाई